स्नैपचैट एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होने के साथ साथ एक मैसेजिंग ऐप भी है, जिस पर आप फोटोज और 10 सेकंड तक की शॉर्ट वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। स्नैपचैट के दो और फीचर्स है टेक्स्ट और वीडियो कॉल। ये दोनों फीचर कुछ समय पहले ही ऐड किए गए हैं। स्नैपचैट हमेशा से ही अपने फिल्टर्स के लिए काफी फेमस है। स्नैपचैट को इवन स्पिंजल, बॉबी मॉर्फे और रजी ब्राउन ने 6 जुलाई 2011 को लॉन्च किया था। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। स्नैपचैट का नाम शुरू से स्नैपचैट नहीं था। जब स्नैपचैट को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया तो उसका ओरिजिनल नाम पिकाबू रखा गया। तीनों दोस्तों के आपसी समस्या की वजह से रजी ब्राउन को टीम से निकाल दिया गया। फिर इवन स्पिंजल और बॉबी मॉर्फे ने काफी सोच विचार करके पिकाबू से नाम चेंज करके स्नैपचैट रख लिया। ये उनका फैसला काफी हद तक सही भी था और आज स्नैपचैट सोशल मीडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऐप में से एक है। फैक्ट नंबर 2, स्नैपचैट के फाउंडर इवन स्पिंजल, बॉबी मॉर्फे और रजी ब्राउन 34 बार फेल हुए थे स्नैपचैट बनाते वक्त। तीनों दोस्तों को 34 बार असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और डटे रहे और 6 जुलाई 2011 को सफल हो गए स्नैपचैट बनाने में। उनकी यही डेडिकेशन की वजह से आज स्नैपचैट एक सक्सेसफुल ऐप है। नंबर 3, 90% स्नैपचैट यूज करने वाले 13 से 24 साल के बीच में होते हैं और उसमें भी 61% स्नैपचैट यूजर फीमेल्स है। फीमेल्स को इस ऐप से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। 10 में से 4 सेलिब्रिटी सक्सेसफुल होती है नए ब्रांड्स और प्रमोशन गेन करने में, वो भी सिर्फ स्नैपचैट से ली गई फोटोज और वीडियोस अपलोड करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। फैक्ट नंबर 4, स्नैपचैट को एफेमेरल कंटेंट मार्केटिंग का किंग माना जाता है। एफेमेरल कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? आपने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोरी फीचर जरूर देखा होगा, इसे ही एफेमेरल कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। इस मार्केटिंग का यूज करके आप फोटोज, वीडियो और मीडिया को बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपना कंटेंट। बड़ी बड़ी कंपनीज इसका यूज करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। नंबर 5, स्नैपचैट यूजर हर रोज 25 से 30 मिनट मिनिमम इसे यूज करते हैं और हर मिनट में 2.1 मिलियन स्नैप सेंड किए जाते हैं एक दूसरे को। नंबर 6, सबको यही लगता है जो स्टोरी फीचर है फेसबुक और इंस्टाग्राम का वो उनका ओरिजिनल क्रिएटेड फीचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोरी फीचर फर्स्ट टाइम स्नैपचैट ने लॉन्च किया था 2014 में, लेकिन मार्क जुकरबर्ग को ये फीचर इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्नैपचैट से ये फीचर बोरो कर लिया और आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये फीचर देख पा रहे हैं। नंबर 7, फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने एक बार कोशिश करी थी स्नैपचैट को $3 बिलियन में खरीदने की, लेकिन स्नैपचैट ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और आज स्नैपचैट की वैल्यू $23.5 बिलियन है। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे, इसलिए आज आपके लिए एक बोनस फैक्ट। टाको बेल नाम की कंपनी ने $75,000 पे किया था स्नैपचैट को टाको बेल फिल्टर ऐड करने के लिए स्नैपचैट में। इस फिल्टर की वजह से उनका बिजनेस बूस्ट कर गया। जो कंपनी 2 साल से लॉस में चल रही थी वो अचानक प्रॉफिट में आ गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।